हेलो नमस्कार दोस्तों, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक टेलीविज़न है जो कि आप देख सकते हो, इसमें ऑन तो हो जाती है मगर ये डिस्प्ले इसकी नहीं आ रही है, स्क्रीन मतलब शो नहीं कर रही है इसकी। तो हम चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे आप दोस्तों देख पा रहे हो, स्क्रीन नहीं आ रही है। तो हम चलते इसकी किट पर आ जाते हैं। और इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि ये इसका जो फ्यूज होता है ना, वो जल चुका था। तो यहाँ हमने दूसरा फ्यूज लगा दिया है। दोनों तरफ से आप देख सकते हो, फ्यूज लगाने के बाद इसमें कुछ दोस्तों और प्रॉब्लम थी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ड्राई की प्रॉब्लम थी, प्राइमरी सेकेंडरी पर दोनों ही तरफ ड्राई की प्रॉब्लम थी। तो मैंने इस पर ड्राई सोल्ड कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, एक यहाँ पर झंपर है और एक रेजिस्टेंस है, जो दोनों ड्राई हो गई थी और स्पायरिंग की वजह से काली भी हो गई थी। तो मैं साफ़ करके इनको ड्राई सोल्ड कर दिया है। और जैसे कि आप ये देखने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आपने देख ही लिया, ये दोनों मैंने पिन को सोल्ड कर लिया है। अब आते हैं हम इसके प्राइमरी पर। जैसे प्राइमरी पर ये आप देख सकते हो, जो इसकी दो नंबर पिन से एक झंपर लगा हुआ है, जो ये भी ड्राई था और ये ट्रांजिस्टर के थ्रू आया हुआ है। जो ये झंपर है ना, देख सकते हो, ये एक पिन यहाँ से ट्रांजिस्टर की एक पिन से जुड़ा हुआ है, जो सप्लाई पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। तो इसमें यही दिक्कत थी दोस्तों। अब हम चेक कर लेते हैं इसे, हमारा ये सोल्डिंग करने के बाद टीवी ऑन होता है या नहीं। तो मैं कनेक्शन लगा लेता हूँ, रिमोट से स्टार्ट करके देखूँगा, क्योंकि इसमें कीबोर्ड तो कभी कभार काम लेट करते हैं। तो रिमोट से जैसे दोस्तों अब देख लो, मैं रिमोट से ये स्टार्ट कर दी है, स्टार्ट तो हो गई है। अब देखते इसकी आती है नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये टेलीविस्टा कंपनी का सेट है और ये हमारी स्क्रीन आ गई है और ठीक चल रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें दोस्तों हल्की सी प्रॉब्लम ये थी कि चलते ही ये बंद हो जा रही थी। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी दोस्तों, ड्राई की ही प्रॉब्लम थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।